सत श्री अकाल जी, पंजाब टुडे तुहाडा स्वागत है। तो अमृतसर की 11 विधानसभा हलके की गल करिए, तो अमृतसर का इस वेले नॉर्थ हल्के का मुकाबला जिहड़ा विधानसभा का टफ जिहड़ा मन्निया जा रहा है, क्योंकि एक बन्ने अकाली दल तो अनिल जोशी खड़े ने, दूसरे बन्ने आम आदमी पार्टी तो कुंवर विजय प्रताप जिहड़े कि साबका आई जी सी, ते हुण कांग्रेस के सुनील दत्ती नूं भी उस जगह तो टिकट दी गई। हालांकि जिहड़े सुनील दत्ती ने विधायक भी ने। सब तो पहला सुनील दत्ती साडे नाल मौजूद है पंजाब टुडे। सुनील दत्ती, तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी। दत्ती साहब, सब तो पहला कि अमृतसर के विधानसभा जिन्हें भी 11 हल्के है उस दे विच नॉर्थ हल्के का मुकाबला सब तो टफ मनिया जा रहा, तुसी इसनू किस हिसाब नाल देख रहे हो? नहीं, कोई टफ नहीं जी। काम करने वाले लई कादा टफ है, जिहड़ा प्लेयर प्रैक्टिस पूरी करके उतरदा ग्राउंड 'च उहदे कोई भी बॉलर टफ नहीं हुंदा। और अच्छी इनिंग खेली है हमेशा ही दत्ती ने, गुरु रामदास जी की कृपा रही है। मैं अपनी मेहनत ते विश्वास रखदा और अपने खास तौर पर अपने जिहड़े सपोर्टर ने वोटर ने जिन्हों का हमेशा मैं ऋणी हाँ धन्नवादी रहना है, वो मेरे नाल जो खड़े रहनगे तो मैं समझता मेरे लिए कोई टफ नहीं होगा जी। दत्ती साहब, वेखिए कि जिहड़े अनिल जोशी, उन्होंने विकास पुरख का दर्जा भी दिता गया है, क्योंकि इस तो पहला जो तुम उन्होंने हराया से उस तो पहला उन्होंने विकास पुरख कहा जाता है, लेकिन एक लोगों के मन उन्होंने बारे थोड़ी सी खिलाफत जरूर आई सी जिसका तुम्हें फायदा मिलया है। हुण की मनते हो कि वो एक बार बीजेपी छड़ के अकाली दल के दोबारा तो एक बार उन्होंने पैर रख्या है, उन्होंने टिकट दी गई है, की मनते हो कि अकाली दल नाल ढाडा मुकाबला रहेगा या फिर साबका जेड़े कि आई जी कुंवर विजय प्रताप है, क्योंकि काफ़ी मन्ने गए ने ते नाल ही एक जेड़ा बेअदबी कांड की उन्होंने जांच भी की थी, सो लोगों की एक सहानुभूति भी उन्होंने नाल है। देखो जी, ना मैं जोशी साहब बारे कुछ कहना चाहना तो ना ही मैं कुंवर जी बारे, दोवें मेरे भरा ने, बड़े अच्छे मेरे रिलेशन रहे ने। राजनीति, हाँ राजनीति तो मैं जरूर गल करांगा, विकास पुरश सारे ही होंगे जेड़ा सीट पर बैठता। अज मैं भी 250 करोड़ रुपया अपने हल्के से लगवा दिता, 100% डिवेलपमेंट के कोल पहुँच गया, कितने शिकायत नहीं कोई भी, और काम वो किए ने जो लोगों ने कहा ने किया है, ये साड़ी ड्यूटी बनती फर्ज बनता। मैक्सीम टाइम दिता मैं और मेरे परिवार ने अपने हल्के, कोई छुट्टी नहीं की जी, इस तो वड्डी कोई गल नहीं। 365 दिन दफ्तर खुला और लड़के बैठे ने काम करते ने, आप भी सारी फैमिली बैठते हैं काम करते हैं। रही गली गल जे देखो, मुकाबला तो मुकाबला ही है, पर मैं कोई हिचकचाट नहीं है कहन च कि मैं जी परमात्मा की कृपा नाल रैली जी हुई परसों सारे शहर ने देख लिया। एक दिन दे जिनी मेरी परिवारक, मैं हमेशा ना नॉर्थ के वोटर अपना परिवार कहना, कोई 15 to 20 हज़ार जोड़ा बंदा पहुँचा उत्थे वो मेरे वोटर सपोर्टर सन। तो एक दिन दे जिहड़ा मैं प्यार देखिया, ये मुकाबला को एक तरफा होएगा, ये मैं कह देना चाहना सारिया ने जी। जिहड़ा 4.5 साल का वक्फा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, पंजाब दे उपर मुख्यमंत्री रहे ने, कि लगता नहीं उसका नुकसान होएगा, क्योंकि मैनीफेस्टो च वड्डिया वड्डिया गल्लां जिहड़े कि कोई भी पार्टी होए वह कर दिया ने, लेकिन वो वादे जिहड़े पूरे नहीं किए जाते लोगों नाल, कि लोगों का खिलाफत एक जरूर नज़र आएगी इस मामले? बड़ा क्लीयर कहन लगा जी, सरकारां तो शिकायत हो सकती है लोगों, पर नॉर्थ हल्के दे मेरे वोटर सपोर्टर दत्ती और दत्ती परिवार को कोई शिकायत नहीं होएगी। जेडे काम MLA ने करने वो मैं डट के किते ने, जेडे सरकार ने करने सन वो नहीं किते। चलो नवे साढ़े चरणजीत सिंह चन्नी जी आ गए ने, नवजोत सिंह सिद्धू आ गए ने, पासा ही पलट गया भाजी, वेख्यो बनता की है, वेख्यो बनता की, लभना नहीं कोई अगे, ना BJP ना अकाली दल ना आप जी। लीडर के बिच की गल करिए, तो लीडर भी कहते कि दत्ती साहब का सारा परिवार जोड़ा राजनीति से है, उन्होंने उस चीज़ का बहुत फायदा मिलता है, तुम इसको किमें देखते हो कि सारा परिवार राजनीति से है, तुम्हें कि अज तक फायदा मिले कुछ? बह ही फायदा मिले मैनू, मैं नहीं जाना चाहता पिछे की होया 4.5 साल च, मेरा परिवार मेरे ना डट के खड़ा रहा है, मेरे ना मेहनत की है, मेरे कौंसलर साथी कई मेरे नाल खड़े रहे ने और मेरे लोग मेरे नाल खड़े रहे ने, सारे मेरे परिवार ने, और उहदी बदौलत ही अज दत्ती हासा कह रहा कि मैं जितांगा, इन्हां दी बदौलत और गुरु रामदास जी की कृपा दे नाल। एक तरफा मुकाबला होएगा, पिछली बारी देखो 15 हज़ार ते मैं जितया सी, लीड वधेगी, उस रब को डर के कहना मैं, लीड वधेगी।
आखिरी सवाल कि इस बारी नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ बड़ी गेम है पंजाब की, तो बड़ी सीटा भी कटिया जाऊगी जिमें कि जोगिंद्रपाल ढिंगरा भी ढाडे इतने है, तो जो पिछली बार जोगिंद्रपाल ढिंगरा की टिकट कटी गई थी उस वेले जुगल किशोर शर्मे को टिकट दी थी, कि लगता इस बारी कि कई विधायकों की टिकट कटी जा सकती है? नहीं नहीं सीटिंग नहीं कट्टे जाते जी, ये नहीं होंगे। मैं तो तुम एक गल कह दिया कि 2012 हलका कांग्रेस पार्टी 16-17,000 वोट पर हारी सी। 2017 दे विच मैं 10 दिन पहलों आया तो लोगों ने 15,000 से जिताता, 32,000 का गैप कढ़िया मेरे नॉर्थ हलका निवासियों ने। नॉर्थ हलका कांग्रेस की सीट है, तो मैं नहीं समझता लोग गुमराह होंगे, पढ़े लिखे लोग ने सारे इत्थे जी, बड़े लोग अच्छे तरीके नाल सोचते ने, लोग समझणगे कि असी वोट किनू पानी है जिहड़ा साडे विच है जिहड़ा साडा सुणदा है। ये नहीं कि अज आ के असी वोटा मंगनिया शुरू कर दिए, 5 साल नज़र ना आईए। ये शिकायत हमेशा वोटरां नूं रहिंदी, और साडे कोई शिकायत नहीं हैगी मिलेगी किसी भी वोटर सपोर्टर नूं। आखिरी सवाल, की चुनौतियां रहणगियां अगर 2022 दे विच सुनील दत्ती दुबारा नॉर्थ हल्के दे जिहड़े कि MLA बंदे ने, ते की चुनौतियां रहणगियां जिहड़े काम कई लोकां दी शिकायतां है कि यह काम नहीं होए, यह काम का वादा किया सी, किहड़े काम हैगे आ जिहड़े 2022 दे विधानसभा दे चुनाव जितण तों बाद सुनील दत्ती करवाएगा? देखो बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा, पहली बारी जो बंदा बंदा ना उन्हों एक्सपीरियंस हो जाता वो फिर कोशिश होंगी कि दूसरी बारी मैं बनया ना जी, आ कमियां मेरिया रह गई मैनू समझ नहीं सी, उन्हां ते फिर वो कवर करदा ना जिहड़ियां गल्लां रह जांदियां ने। एक्सपीरियंस 5 साल च आया, कोविड साडा 1.5 साल बड़ा नुकसान कर गया, तो दूजी बारी मैं तो हमेशा कहना गुरु रामदास जी की नगरी उन्होंने जो मेरे ते कृपा की, मेरे इन्हां नॉर्थ हलका निवासियों ने प्यार दिता, तो दत्ती एक वक्री तरह की राजनीति करेगा। मैं कहना चाहना जी सारे अपने अमृतसर वासियों, अलग तरह की राजनीति करेगा। 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है विधानसभा, मैं डट के बोलिया टाइम घट मिलिया, किस तरह टाइम लेना विधानसभा वो मैं हूँ समझ आई है, किहड़े मुद्दियां ते बोलना चाहिए सी चुप रहे हैं उन्हां ते बोलांगा। सो मैं जदों झाती मारना पिछे कि आ समय तो मैं आ कर सकता सी, वो करन दी मैं कोशिश करांगा, लोक भलाई दे विच चाहे असैम्बली दे विच सवाल होणगे चाहे अमृतसर दे विच होणगे, तुहानू एक नवा रूप नज़र जरूर आएगा सुनील दत्ती दे विच, कह देना चाहना मैं। सो साडे वल्लों तुहानूं बहुत शुभकामनावां दत्ती साहब की चुनाव है। सो बिल्कुल सुनील दत्ती जी इस वारी एक नवे रूप दे विच नज़र आणगे अगर 2022 दे चुनाव जितदे ने। नाल ही उन्होंने कहा कि भावें कुंवर विजय प्रताप है आम आदमी पार्टी तो या फिर अनिल जोशी है अकाली दल तो, उन्हां दा मुकाबला करना नहीं है, सो एक तरफे नाल उन्हां नूं इस वारी जीत प्राप्त होवेगी। अमित शर्मा, पंजाब टुडे, अमृतसर।